खबरों की नई पहचान। चुनाव से पहले धनबाद पुलिस की कार्रवाई। बीती रात सिंदरी एसडीपीओ ने तरिया थाना क्षेत्र के फल मंडी में छापेमारी की। पुलिस को सूचना मिली थी कि होली नमन चुनाव को लेकर शराब बनाने की तैयारी चल रही है। सूचना के आधार पर झरिया पुलिस ने छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में विदेशी शराब और शराब बनाने की सामग्री बरामद हुई। वहीं मीडिया से बात करते हुए धनबाद नगर एसपी पीयूष पांडे ने बताया कि सूचना तो पहले से आ रही थी, परंतु सही समय का इंतजार था। देर से ही सही पुलिस अपनी कार्रवाई में सफल रही। वहीं पीयूष पांडे ने छापेमारी के क्रम में विदेशी शराब और झारखंड सरकार के और कई ब्रांडेड शराब यहां बनाया जाता है, जो शरीर के लिए काफी हानिकारक है तथा जानलेवा भी है। आपको बताओ, पहले से ही झरिया थाना क्षेत्र के मिनी गैन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में पिस्तौल और पिस्तौल बनाने की सामग्री बरामद हुई थी। वहीं धनबाद नगर एसपी पीयूष पांडे ने इस छापेमारी को पुलिस की बड़ी कामयाबी बताई है। हम लोगों को सूचना प्राप्त हो रही थी कि झरिया थाना अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में अंग्रेजी शराब नकली बनाई जा रही है और देसी शराब भी उसको बना के व्यापक पैमाने पर उसे बेचा जा रहा है। उसके बाद एसटीपीओ सिंदरी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें झरिया इंस्पेक्टर और थाने के कुछ और अन्य पदाधिकारी भी उस टीम में शामिल थे, और इसमें लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तो उस दौरान छापामारी के क्रम में जब हम लोग को सूचना प्राप्त हुई, तो हमें दो ठिकाने, राजग्राउंड और बकरीहाट के दो ठिकानों पर, एक गौरी शंकर प्रसाद गुप्ता के घर पर और एक शिवजी यादव के घर पर, हमें बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब की बोतलें मिली। उसमें शराब थी, कुछ खाली बॉटल्स मिली, कुछ हम लोगों को जैसा कि आप देख सकते हैं झारखंड सरकार के उत्पाद विभाग के स्टिकर्स मिले, इंडियन मेड फॉरेन लिकर के। इसके अलावा हमें स्पिरिट मिली, जो नकली शराब में जो केमिकल्स डाले जाते हैं वो मिले, कुछ कार्टन मिले, कुछ खाली जार मिले, कुछ ढक्कन मिले, और इसके अलावा बहुत सारी सामग्री मिली। तो लगभग एक नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 7,000 से ज़्यादा हम लोग को अंग्रेजी शराब मिली है, जिसको बेचने की तैयारी में ये लोग थे। इसके अलावा 30,000 अंग्रेजी शराब के रैपर थे, 50,000 करीब ढक्कन थे, एम्प्टी पाउच, जो खाली पाउच है जिस पे स्टिकर लगा हुआ था, वो करीब 1,000 थे। इसके अलावा 400 नकली अंग्रेजी शराब हम लोग को मिली, और खाली बॉटल और शराब बनाने का बहुत सारा सामान, स्प्रिट वगैरह हम लोग को उन दोनों ठिकानों से बरामद हुआ। इसके अलावा उनसे पूछताछ करने पर हम लोग को एक और गोदाम की सूचना मिली, जो एक एबेंडेंट दुकान है बाजार समिति में, वहाँ रेड मारने पर भी हमें कुछ कुछ सामान मिला, और दो गाड़ियाँ, मारुति वैन और एक पियाजेओ वैन, जिसका इस्तेमाल शराब को ट्रांसपोर्ट करने और उसका सामान लाने में किया जा रहा था, वो हम दोनों गाड़ियों को हम लोगों ने बरामद कर लिया है। तो कुल इसमें अभी तक हम लोगों ने दो गिरफ्तारी की है, गौरी शंकर प्रसाद गुप्ता जो मेन इसमें किंग पिन है, इसके अलावा उसका बेटा है वीरदेव कुमार गुप्ता, उनके घर पर ही मिला था, और अभी तीन अभियुक्त इसमें और हैं जो फरार हैं, जिनको हम पकड़ने में कोशिश में लगे हुए हैं, शिवजी यादव, दीपक यादव, कैलाश साव और राम कुमार, चार अभियुक्त जो इसमें फरार हैं। इसमें से शिवजी यादव की क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है, और पूर्व में वो नकली शराब बनाने के क्रम में जेल भी जा चुका है। तो चुनाव की दृष्टि से देखते हुए एक अहम सफलता है, झरिया पुलिस लगातार सफलताएं अर्जित कर रही है। पिछले कुछ दिनों पहले एक आर्म्स की फैक्ट्री, एक यहाँ पर उसका खुलासा हुआ था, और अब ये अवैध शराब की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। धनबाद ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर हमें अक्सर सूचना मिलती रहती है और हम लोग रेड करते रहते हैं, तो ये पहले से संचालित की जा रही होगी, जिस पैमाने पर हम लोग सामान देख रहे हैं, बॉटल देख रहे हैं, परंतु जिस हिसाब से ये तैयार बॉटल्स हमने देखी हैं, निश्चित ही इसका उपयोग आने वाले लोकसभा चुनाव के दिनों में संभवतः होता रहा होगा। कब से सर ये किया जा रहा था, क्या पता चला सर? कब से अभी ये लोग, और हम लोग इन लोगों को इंटेरोगेट करेंगे, और बाकी लोग भी जब पकड़े जाएंगे तो हमें पूरा पता चलेगा कि कहाँ से संचालित हो रहा था, ये लोग सामान कहाँ ला रहे थे, कहाँ कहाँ बेचते थे, तो और सूचनाएं भी सामने आएंगी। और होटलों में सप्लाई होगी, कुछ प्राइवेट लोगों को सप्लाई किया जाता रहा होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं अंग्रेजी लिकर है, तो वो सब चीज़ें भी जैसे जैसे जिस होटल में चली गई है ये शराब, तो उस होटल का ये क्या रोकथाम अब रहेगा? देखिए, लगातार जैसे कि हमने कहा कि हम लोगों ने विभिन्न स्थानों पर चेक नाका लगाए हैं, जैसे ही हमें कोई सूचना मिली हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हमें एक आर्म्स फैक्ट्री मिली है, इसमें और गहन अनुसंधान करने पर हमें यह भी पता चलेगा कि किन किन जगह पे इसकी सप्लाई की जा रही है, तो फिर उस समय अभियान चलाया जाएगा। सर, कुछ सूचना मिली सरकारी? बिल्कुल,
आगे वाले चुनाव के आने वाले दिनों को ध्यान में रखते हुए ये लगातार हमारी दूसरी बड़ी सफलता है। उज्जवल भविष्य के लिए चुने KDM स्कूल पाथर्डी धनबाद। क्लास नर्सरी से 10 तक छात्रों के लिए फैसिलिटी, स्कूल वैन, प्लेग्राउंड, कंप्यूटर लैब, डांस क्लास, एक्सपीरियंस टीचर। एडमिशन ओपन KDM स्कूल पाथर्डी सुदामडी सिंदरी रोड धनबाद। आवर फोन नंबर ऑन योर टीवी स्क्रीन। उज्जवल भविष्य के लिए चुने न्यू एंजल होम स्कूल दिगवाडी नंबर 10। कक्षा नर्सरी से 8 तक के छात्रों के लिए अनुभवी टीचर, छात्रों के लिए फैसिलिटी, स्कूल में प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लासेस, डांस, पेंटिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, सीसीटीवी के नजर में पूरा स्कूल। एडमिशन ओपन न्यू एंजल होम स्कूल दिगवाडी नंबर 10। आवर कॉन्टेक्ट फॉर 9576711011 and 9 2 9 7 8 6 double 1 double 1.